नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वे इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं और उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। देश की जनता उनके स्वस्थ होने की दुआएं कर रही है। स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी गुरुवार को चाइनीज वैक्सीन की पहली डोज ली थी। इस दौरान उन्होंने अपने देश के लोगों से महामारी के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की थी। पीएम के कार्यालय ने ट्वीट करके बताया था कि आज प्रधानमंत्री इमरान खान को टीका लगाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने देश के लोगों से महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। इससे पहले पाकिस्तान ने संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन की घोषणा की थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में शनिवार को इस साल एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक मामले सामने आए थे। इस दौरान 3876 नए मामले सामने आए हैं और 40 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 9.4% तक पहुंच गया है। देश में अब तक कुल 623,135 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 13,799 लोगों की अब तक मौत हो गई है। 579,760 मरीज संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। 2,122 मरीजों की हालत अब भी काफी नाजुक है। सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा कोरोना के 262,796 मामले सामने आए हैं। इसके बाद पंजाब में 1,95,087 मामले, खैबर पख्तूनख्वा में 78,653, इस्लामाबाद में 50,843, बलूचिस्तान में 19,306, गुलाम कश्मीर में 11,483 और गिलगित बाल्टिस्तान में 4,967 मामले सामने आए हैं। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा सपाकत ने ट्वीट किया कि राजधानी में शुक्रवार को 747 नए मामलों का पता चला है, जो यहां एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सियालकोट समेत कई क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना बढ़ने के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान में ब्रिटेन का स्ट्रेन मरीजों की संख्या में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान कोरोना टीकाकरण के लिए चीनी टीका सिनोफार्म का उपयोग कर रहा है। हाल ही में चीन से पाकिस्तान को 5,00,000 वैक्सीन की खुराक प्राप्त हुई थी। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण अभियान हो रहा है।